अटक से कटक तक लहराने लगा था भगवा झंडा। आप इस कहानी को जरूर शेयर करेंगे। आप जब विदेशी मुस्लिम शासकों के समय की इतिहास की पुस्तकें पढ़ेंगे तो नजर आएगा कि कोई भी मुस्लिम शासक एक बड़े क्षेत्र या भारत का शासक नहीं रहा है। यह बात थोड़ी झूठी लगती है कि मुस्लिमों ने भारत पर 400 साल तक राज किया है। आज हम आपको भारत के ऐसे इतिहास के अध्याय के बारे में बताने वाले हैं जो आज किताब से ही फाड़ दिया गया है ताकि कोई भी इसे पढ़ नहीं पाए। हिंदू वीरों की विजय गाथा दहेश। अफगानिस्तान के अटक से लेकर कटक तक और दाखान से दिल्ली तक मुस्लिम शासन को हिंदू योद्धाओं ने उखाड़ फेंका था। अफगानिस्तान पर आक्रमण करके मराठा सेना ने 45,000 पठानों को काट दिया था और गांधार पर भगवा लहराया था। दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर आज भी उस वीर हिंदू गाथा का गवाह है जब वीर हिंदू नायक बाजीराव पेशवा प्रथम ने मुगलों की ईंट से ईंट बजाकर दिल्ली पर भगवा झंडा फहराया था और 800 पुराने गौरी शंकर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ। 1719 के आसपास पेशवा बालाजी विश्वनाथ अपनी सेना लेकर दिल्ली आए थे और यहां इन्होंने दिल्ली की राजनीति में सैयद बंधुओं की सहायता की थी। इसी का परिणाम यह हुआ था कि दक्षिण के क्षेत्र पर चौथ वसर देशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया था। यहाँ पर सैयद बंधुओं के साथ कुछ संधियाँ भी हुई थीं। 1. शाहू को शिवाजी के वे प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जिन्हें वे स्वराज कहता था। 2. हैदराबाद, गोंडवाना, खानदेश, बरार एवं कर्नाटक के वे प्रदेश भी शाहू को वापस कर दिए जाएंगे जिन्हें मराठों ने हाल ही में जीता था। 3. दक्कन के प्रदेश में मराठों को चौथे वानसर देशमुखी वसूल करने का अधिकार होगा जिसके बदले मराठे करीब 15,000 जवानों की एक सैनिक टुकड़ी सम्राट की सेवा हेतु रखेंगे। 4. शाहू मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष लगभग 10,00,000 रुपए का कर खिराज देगा। 5. मुगल किड से शाहू की माँ एवं भाई समेत सभी सगे संबंधियों को आजाद कर दिया जाएगा। इसके बाद पेशवा बालाजी विश्वनाथ 19 वर्ष की उम्र में ही पेशवा बने और इन्होंने मालवा, गुजरात और चंबल का क्षेत्र जीत लिया। ऐसा बोला जाता है कि इनका अधिकांश समय घोड़े की पीठ पर ही बिता था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के काल में रघुजी भोंसले ने उड़ीसा जीत लिया था और बिहार व बंगाल में चौथ वसूल की थी। साथ ही साथ तुकाजी होलकर व संभाजी सिंधिया ने अटक तक विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार इन भारतीय वीर योद्धाओं ने विदेशी मुस्लिम शासकों की जड़ ही हिला दी थी। अटक से कटक तक हिंदुओं का भगवा झंडा ही लहरा रहा था। दिल्ली का बादशाह भी बस नामात्र का हो गया था। असली शासन तो मराठों के हाथ में आ गया था। अब आप ही बताएं कि जब हमारी पुस्तकें यह इतिहास नहीं बताएंगी तो क्या हमारी किताबों को झूठा नहीं बोला जाएगा? आज भारत के युवाओं को भारत का असली इतिहास पढ़ने की विशेष आवश्यकता है।